हेलो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में आप सभी से जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए जाएंगे। ये आप सभी का पार्ट टू का वीडियो है। इससे पहले हमने आप सभी के लिए पार्ट वन का वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप सभी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस सेशन में आप सभी से पार्ट वन की तरह 100 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, तो टोटल मिला के आप सभी के जून 2022 के करंट अफेयर के 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो आप सभी की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, 11 जून 2022 को RBI ने कार्ड और UPI के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा को ₹5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ₹15,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी के पेपर में RBI से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है कि RBI की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी को याद कर लेना है RBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि वर्तमान में गवर्नर कौन है RBI के, तो ये भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी को याद कर लेना है इनका नाम क्या है, तो शक्तिकांत दास इनका नाम है। ये RBI के 25वें गवर्नर हैं, तो ये भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 12 जून 2022 को सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रूस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि रूस की राजधानी क्या है, तो आप सभी को याद कर लेना है रूस की राजधानी क्या है, तो मॉस्को हो जाएगी। जापान की राजधानी क्या है, तो ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, टोक्यो हो जाएगी। और आपके पेपर में पूछा जाता है फ्रांस की राजधानी क्या है, तो पेरिस हो जाएगी। और इटली की राजधानी क्या है, तो रोम हो जाएगी। तो आप सभी के सामने जो भी क्वेश्चन इस प्रश्न से बन सकते थे, आप सभी से डिस्कस किए गए हैं, इन्हें याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 जून 2022 को किसे महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ द लिटरेचर से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो रतन टाटा इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 जून 2022 को कहां पर हाल ही में विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया है, इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 जून 2022 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसे नियुक्त किया है? तो अमनदीप सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो आप सभी को याद कर लेना है एंटोनियो गुतरेस हैं, जो कि कहाँ के हैं, तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 जून 2022 को किसे संयुक्त राष्ट्र का अपर महासचिव नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो रबाब फातिमा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 12 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र का अपर महासचिव रबाब फातिमा को नियुक्त किया गया है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, 12 जून 2022 को RBI ने RBL बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसे नियुक्त किया गया है RBL बैंक के MD और CEO के रूप में? तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो R. सुब्रमण्यम कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 जून 2022 को किस देश ने पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो भारत इसका सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि भारत से जुड़ा हुआ प्रश्न है और आपकी परीक्षा में इसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 जून 2022 को अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो मैक्स वेरस्टापेन इसका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि लुइस हैमिल्टन ये रेसर हैं, किसके रेसर हैं, तो आप सभी को याद कर लेना है ये मर्सिडीज रेसर है, तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने बाल श्रम को रोकने के लिए हेल्पलाइन 1098 की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है, तो आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो आप सभी को याद कर लेना है महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो मुंबई हो जाएगी। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप सभी को याद कर लेना है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ईटानगर है।
और उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी के पेपर में पूछा जाता है, तो इसे आप सभी को याद कर लेना है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो लखनऊ है। और मध्य प्रदेश की राजधानी आप सभी की क्या है, तो भोपाल है। तो आप सभी से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे इस क्वेश्चन से, इसे भी आप सभी को याद कर लेना। और हेल्पलाइन का नंबर क्या है, तो 1098 है, इसे आप सभी को मुख्य रूप से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 जून 2022 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई मई में घटकर कितनी फीसदी हो गई है, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा 7.04%। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2022 में कौन भारत के 74वें ग्रांड मास्टर बने हैं, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल श्रीवास्तव, जो कि तेलंगाना से हैं। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। ये भारत के 74वें ग्रांड मास्टर बने हैं जून 2022 में। अगला क्वेश्चन है, 13 जून 2022 को भारत सरकार ने किस देश को यूरिया उर्वरक की खरीद के लिए 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का फैसला किया है, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो श्रीलंका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 जून 2022 को कौन IWUF युवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक बन गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो गुरु नायडू सेनापति इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 जून 2022 को किस खिलाड़ी को मई महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो एंजेलो मैथ्यूज, जो कि श्रीलंका के पुरुष वर्ग के खिलाड़ी हैं, और तुबा हसन, जो कि पाकिस्तान की महिला की खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो इन्हें याद कर लेना है। इन्हें मई किसके लिए, तो मई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है। 13 जून 2022 को हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि कितने पदक जीते थे हरियाणा ने, तो आप सभी के याद कर लेना है। गोल्ड इसने कितने जीते थे, तो 52 गोल्ड जीते थे। सिल्वर कितने जीते थे, तो 39 सिल्वर जीते थे। और ब्रॉन्ज कितने जीते थे, तो 46 ब्रॉन्ज जीते थे। इस तरीके से आप सभी के पदकों की संख्या कितनी हो जाती है, तो आप सभी को याद कर लेना है। ये आप सभी के टोटल हो जाते हैं 137 पदक, तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 जून 2022 को ज्वेलर राजेश एक्सपोर्ट्स ने तेलंगाना में कितने अरब डॉलर के निवेश के साथ भारत का पहला डिस्प्ले प्लांट स्थापित किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 अरब डॉलर। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना है। इनका नाम क्या है, तो ये तेलंगाना में इन्होंने क्या क्या स्थापित किया है, ज्वेलर राजेश एक्सपोर्ट नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 जून 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोच्चि में कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट, अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो ये आप सभी को याद कर लेना है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो चेन्नई हो जाएगी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर हो जाएगी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाएगी। और असम की राजधानी क्या हो जाएगी, तो ये आप सभी को याद कर लेना है, दिसपुर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो विश्व रक्तदाता दिवस इसे मनाया गया है। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया है, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी को याद कर लेना है, तो 8 जून इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 8 जून को आप सभी का 2 दिवस है, विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 जून 2022 को थोक मूल सूचकांक मुद्रा स्फीति मई में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 15.30% इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 जून 2022 को भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका आयोजन किया गया है। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी आप सभी को याद कर लेना है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 जून 2022 को भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पाओ नूरमी गेम्स में कितने मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है,
तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो 89.30 मीटर का रिकॉर्ड बनाया है किसने, तो नीरज चोपड़ा ने। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना है, तो 7 अगस्त इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 जून 2022 को ट्रिपल जंपर प्रवीण चित्र बेल ने अंतर राज्य चैंपियनशिप में 17.18 मीटर का नया रिकॉर्ड बनाया है, वह किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। आप सभी को याद कर लेना है, गोवा की राजधानी आपके पेपर में पूछी जा सकती है, तो इसे याद कर लेना है, पर्जी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2022 को कौन सा देश अपने पहले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करने वाला है, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो भारत इसका सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो इसे आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है 14 जून 2022 को केंद्र ने हाल ही में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अग्निपथ इसका सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो इसे याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने फ्रूट्स, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप सभी को याद कर लेना है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो अमरावती हो जाएगी। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि गुजरात की राजधानी क्या है, तो गांधीनगर है। अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो आप सभी को याद कर लेना है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, 14 जून 2022 को जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देहू पुणे में इसका उद्घाटन किया गया है। मंदिर का क्या नाम है, तो जगतगुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन देहू पुणे में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 14 जून 2022 को भारतीय रेलवे की किस योजना के तहत एक निजी ऑपरेटर द्वारा कोयम्बटूर एवं शिरडी के बीच संचालित होने वाली पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत गौरव योजना इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके तहत क्या किया गया है, तो भारतीय रेलवे ने निजी ऑपरेटर द्वारा कोयम्बटूर और शिरडी के बीच संचालित होने वाली पहली ट्रेन चलाई गई है। अगला क्वेश्चन है, 15 जून 2022 को आरबीआई बोर्ड किसे आरबीआई बोर्ड में नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा क्या, तो दो लोगों को नियुक्त किया गया है, आनंद महिंद्रा और बेणु श्रीनिवासन, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर इसे काट कर कर लेना है, किसे आरबीआई बोर्ड में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 जून 2022 को प्रबंधन विकास संस्थान के विश्व प्रति स्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत की रैंक कितनी है, तो 37वीं रैंक है भारत की। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप सभी को याद कर लेना है, भारत की राजधानी क्या है, तो नई दिल्ली हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, 15 जून 2022 को किस शहर में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल की शुरुआत की गई है, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो बेंगलोर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है, कहां पर इसे शुरू किया गया है, तो बेंगलोर में इसे शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 जून 2022 को किस मंत्रालय ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का परियोजना सूचना एवं प्रबंधन मॉडल लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कोयला मंत्रालय इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का परियोजना सूचना एवं प्रबंधन मॉडल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 15 जून 2022 को किसने अपने 27 साल पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी को याद कर लेना है, माइक्रोसॉफ्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई हो जाएंगे, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और जियो सावन के क्या बने हैं, जियो सावन के नए सीईओ कौन बने हैं, तो ये भी आप सभी से हमने डिस्कस किया था, तो इनका नाम आप सभी को नहीं भूलना है। इनका नाम क्या है, तो सहस मल्होत्रा इनका नाम है, ये अभी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 जून 2022 को पृथ्वी सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो चांदीपुर उड़ीसा से इसका परीक्षण किया गया है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
15 जून 2022 को स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है, स्क्वैश कोर्ट का। ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 जून 2022 को भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत हाईटेक पार्क की आधारशिला कहां पर रखी गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो खुलना बांग्लादेश में इसकी आधारशिला रखी गई है। इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्री जयवर्धने कोटी हो जाएगी। बांग्लादेश की राजधानी आप सभी से पूछा जाता है तो ढाका हो जाएगी। नेपाल की राजधानी क्या है, तो काठमांडू हो जाएगी। और भारत की राजधानी यहाँ पर लिखी गई है, नई दिल्ली हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 जून 2022 को किस प्लेटफॉर्म द्वारा महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलेटर प्रोग्राम की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गूगल इसका सही आंसर हो जाएगा। गूगल द्वारा महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलेटर प्रोग्राम की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है। 16 जून 2022 को जीएसटी काउंसिलिंग की 47वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो श्रीनगर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 जून 2022 को किस देश ने हाल ही में युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की क्या की है? तो मेजबानी की है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो मिस्र इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगी, फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगी, केन्या की राजधानी क्या हो जाएगी, नैरोबी होगी, और मिस्र की राजधानी काहिरा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 जून 2022 को किस राज्य में ऐतिहासिक गेटी थिएटर में अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव उन्मेष का आयोजन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो शिमला हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो शिमला हो जाएगी। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो देहरादून है। और झारखंड की राजधानी क्या है, तो रांची हो जाएगी। 41 नंबर क्वेश्चन है। 16 जून 2022 को किस राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 4 से कक्षा 10 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए बायजूस के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि क्या पूछा जा सकता है कि बिहार की राजधानी क्या है, तो आप सभी को याद कर लेना है, पटना इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी हमने आप सभी को बताया है क्या हो जाएगी, तो भोपाल हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, आंध्र प्रदेश की अमरावती है। अगला क्वेश्चन है। 16 जून 2022 को NPCI इंटरनेशनल ने डैश के लारा नेटवर्क के साथ समझौता किया है, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो ये फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसे आप सभी को करेक्ट कर लेना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रांस। ये फ्रांस के लायरा नेटवर्क के साथ समझौता किया है NPCI इंटरनेशनल ने। इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप सभी के पेपर में फ्रांस की राजधानी पूछी जाती है, तो पेरिस हो जाएगी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो जाएगी। और इटली की राजधानी रोम हो जाएगी। रूस की मास्को हो जाएगी। और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी, तो Washington DC हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है। 16 जून 2022 को प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को इसका सही आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। तो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, इन्हें प्रेस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है। 16 जून 2022 को केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत में कब तक 5G सेवाएं लॉन्च की जाएंगी? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो मार्च 2023 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो केंद्रीय संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इनके अनुसार भारत में कब तक 5G सेवाएं लॉन्च की जाएंगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मार्च 2023 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। 16 जून 2022 को भारतीय प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है इसका सही आंसर क्या है, तो अमेरिका हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप सभी से पूछा जाता है, तो कैनबरा हो जाएगी। इंग्लैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, तो लंदन हो जाएगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगी। और USA की राजधानी क्या है, तो Washington DC है। अगला क्वेश्चन है। 16 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जलभूषण भवन कौर क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा।
आप सभी का क्वेश्चन है, 16 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जलभूषण भवन, यहां पे और होगा, और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किया है, तो मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 17 जून 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अधिग्रहण और स्थिरता के लिए उप रक्षा सचिव के पद पर किसे नामित किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो नितिन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा राधा अयंगर प्लम्ब, इसका सही आंसर हो जाएगा राधा अयंगर प्लम्ब, इन्हें याद कर लेना है। इन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अधिग्रहण और स्थिरता के लिए उप रक्षा सचिव के पद पर नामित किया है। अगला क्वेश्चन है, 17 जून 2022 को किसे रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रमोद के मित्तल इसका सही आंसर हो जाएगा, सहस मल्होत्रा को जियो सावन का, सलील पारेख का इन्फोसिस का, सलील पारेख को इन्फोसिस का, और पराग अग्रवाल को ट्विटर का सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 17 जून 2022 को किस राज्य ने 8 वर्ष से कम आयु के छात्रों के लिए इनुम इजुथुम की योजना शुरू की है, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो इसे आप सभी को याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 8 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए इनुम इजुथुम योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, 17 जून 2022 को कौन सा एयरपोर्ट वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड लॉन्च करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, 17 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 800 करोड़ रुपए के परिवे से किस राज्य में मातृ पोषण पर एक योजना शुरू की है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा, तो आप सभी को याद कर लेना है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 800 करोड़ रुपए के परिवे के साथ मातृ पोषण योजना शुरू की गई है, कहां में, तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, 17 जून 2022 को किस देश ने हरियाणा सरकार के साथ एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और क्षमता निर्माण में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो इजराइल इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए, तो इसे आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, 18 जून 2022 को किस देश ने 2022 में SCO के क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी संरचना बैठक की मेजबानी की है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 जून 2022 को यूरोप के सबसे स्टार्टअप सम्मेलन में क्या हो जाएगा, यूरोप के सबसे स्टार्टअप सम्मेलन बीवाटेक के किस देश को वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी गई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत इसका सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए, इनकी राजधानी हमने आप सभी से प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस की है, तो आप सभी को इन्हें बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, 18 जून 2022 को किस शहर में हाल ही में भारत ने बिमस्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कोलंबो श्रीलंका इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को याद कर लेना है। बाकी जो ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं, ये देश हैं और इनके साथ में इनकी राजधानी दी गई है, तो इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 जून 2022 को कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो गुजरात जिसकी राजधानी है गांधीनगर, इसने शुरू किया है क्या, तो बालिका पंचायत शुरू किया है। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि असम की राजधानी क्या है, तो दिसपुर हो जाएगी। नई दिल्ली किसकी राजधानी है, तो भारत की राजधानी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, तो अमरावती हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 18 जून 2022 को कौन सा खिलाड़ी T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्र दराज भारतीय खिलाड़ी बन गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दिनेश कार्तिक इसका सही आंसर हो जाएगा, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, 19 जून 2022 को किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, राजधानी है कैनबरा, इसके तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो हो जाएगी, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और जर्मनी की राजधानी क्या है, तो बर्लिन है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 जून 2022 को कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो जापान इसका सही आंसर हो जाएगा। जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो, इसे याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जून 2022 को केंद्र सरकार ने CAPF और असम राइफल
में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 10% इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी की परीक्षाओं के लिए, तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन। 19 जून 2022 को पेरिस में 2022 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कतर में स्थित है, इसे विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 19 जून 2022 को किस देश ने पूरी तरह से घरेलू रूप से निर्मित नौसैनिक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। चीन की राजधानी है बीजिंग। जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो हो जाएगी। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और ताइवान की राजधानी क्या है, तो ताइपे हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 जून 2022 को किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो इस्लामाबाद है। नेपाल की राजधानी क्या है, तो काठमांडू है। श्रीलंका की राजधानी है क्या, श्री जयवर्धने कोटे। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 जून 2022 को किस देश के तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इंग्लैंड की तेज गेंदबाज है, इनका नाम क्या है, तो कैथरीन ब्रंट इनका नाम है। इन्हें का नाम आप सभी को याद कर लेना है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, 20 जून 2022 को किसने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है, अगर आपके पेपर पूछा जाता है ये किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो ये भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर श्री कालिका माता मंदिर का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पंचमहल गुजरात में इसका अनावरण किया गया है। मंदिर का नाम आप सभी को याद कर लेना है, श्री कालिका माता मंदिर इसका नाम है। कहां पर इसका अनावरण किया गया है, तो पंचमहल गुजरात में अनावरण किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, ये भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, जो कि आप सभी के 15वें पीएम हैं देश के, तो ये भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 जून 2022 को कहां पर 280 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च CBR का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है, यानी कि IISc बेंगलोर में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 21 जून 2022 को 2022 कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मैक्स वेरस्टैपेन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसे आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, 22 जून 2022 को ओलंपिक चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के कोर्टेन खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो स्वर्ण पदक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 जून 2022 को किस IIT के सहयोग से मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में भारतीय 5G टेस्ट बेड स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो IIT मद्रास इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 जून 2022 को GST परिषद की 47वीं बैठक का आयोजन श्रीनगर के बजाय किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो चंडीगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी का इसका सही आंसर है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। GST परिषद की 47वीं बैठक का आयोजन अब श्रीनगर के बजाय कहां पर किया जाएगा, तो चंडीगढ़ में किया जाना प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है, 23 जून 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने सोनू फोगट द्वारा लिखित अष्टांग योग पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो मनोहर लाल खट्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है भूपेश बघेल कहाँ के CM हैं, तो आप सभी को याद कर लेना है कहाँ के हैं, तो छत्तीसगढ़ के। हेमंत सोरेन की बात की जाए तो झारखंड के हैं।
और नीतीश कुमार की बात की जाए तो आप सभी को याद कर लेना है बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 जून 2022 को किसने अपने उपन्यास द बुक ऑफ फ्रॉम एंड एम्पटीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो रूथ ओजकी इसका सही आंसर हो जाएगा। पुस्तक का नाम क्या है? तो द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्पटीनेस इसका पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 जून 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस देश की यूनिवर्सिटी सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो आप सभी को बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। आप सभी को याद कर लेना है सिंघुआ यूनिवर्सिटी कहाँ की है? तो चीन की है, इसने शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 जून 2022 को डैश राज्य ने वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्रशासित प्रदेश बन गया है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा असम। असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 जून 2022 को जून 2022 में किस देश की खुशगुल झील को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मंगोलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसे आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 जून 2022 को गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आर एन भास्कर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन है, 24 जून 2022 को किस मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निपुण की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हरदीप सिंह पुरी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। 79 नंबर क्वेश्चन है, 24 जून 2022 को बधिरों के पहले T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि ये बधिरों के पहले T20 राष्ट्रीय क्रिकेट की यहाँ पर बात की जा रही है और ये आप सभी का पहला था, तो ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 जून 2022 को कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है जो पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा से चलता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में स्थित है, तो इसे आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 जून 2022 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव का अनावरण किया है, तो इसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सूर्य नूतन इसका नाम है, तो इसे आप सभी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 जून 2022 को उस अंतरिक्ष एजेंसी का नाम बताइए जो भारत और मलेशिया से संबंधित दो संचार उपग्रह को भूस्थितिक कक्षा में स्थापित करेगी? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो एरियन स्पेस इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ की अंतरिक्ष कंपनी है? तो यूरोपियन अंतरिक्ष कंपनी है, तो ये भी आप सभी को याद कर लेना है, यूरोपियन अंतरिक्ष कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 जून 2022 को किस देश ने हाल ही में नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दक्षिण कोरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 जून 2022 को किस देश की सरकार ने इस साल के अंत तक कंपनियों को प्लास्टिक बैग और स्टायरोफोम टेकआउट कंटेनर आयात करने और बनाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है? तो ओटावा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 जून 2022 को किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो रुचिरा कंबोज इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है 26 जून 2022 को G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो जर्मनी इसका सही आंसर हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 जून 2022 को एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जापान इसका सही आंसर हो जाएगा। जापान की राजधानी आप सभी को याद कर लेनी है, टोक्यो इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 जून 2022 को विश्व बैंक ने किस देश के पहाड़ी क्षेत्रों में
वर्षा आधारित कृषि को आगे बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत से एक परियोजना को मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 जून 2022 को न्यायमूर्ति अमजद अहतेशाम सईद ने किस राज्य के 27वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने हिमाचल प्रदेश के 27वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है, 27 जून 2022 को किसे जून 2022 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दिनकर गुप्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को इनका नाम याद कर लेना है, इन्हें NIA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 27 जून 2022 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहां पर ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किया है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो इसे आप सभी को याद कर लेना है, नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 27 जून 2022 को कोर्सेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 68वें स्थान पर है भारत। तो रैंकिंग से जुड़े जो भी क्वेश्चन आप सभी के देखने को मिले हैं, वो चाहे जून के हों चाहे मई के हों, तो इन्हें आप सभी को याद करते हुए चलना है, क्योंकि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो भी आप सभी से अभी तक डिस्कस किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 28 जून 2022 को फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस द पावर एंड प्ले ऑफ उत्तर प्रदेश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो अभिज्ञान प्रकाश द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो ये 93 नंबर क्वेश्चन था, इसे आप सभी को याद कर लेना, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस द पावर एंड प्ले ऑफ उत्तर प्रदेश पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 जून 2022 को इसरो ने 23 जून 2022 को किस देश कौरव से संचार उपग्रह जी सैट 24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो फ्रेंच गुयाना इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 जून 2022 को नवीनतम फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 104वें स्थान पर भारत रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 जून 2022 को किस राज्य ने 17वें साला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। गुजरात की राजधानी क्या है, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगी, हैदराबाद है। और केरल की राजधानी क्या है, तो तिरुवनंतपुरम है। अगला क्वेश्चन है, 29 जून 2022 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने नए परिसर वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 जून 2022 को किस देश में भारतीय ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो मलेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 जून 2022 को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो परमेश्वरन अय्यर इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्हें नीति आयोग का नया क्या नियुक्त किया गया है, तो CEO नियुक्त किया गया है। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो PM इसका अध्यक्ष होता है। वर्तमान में आप सभी के PM है नरेंद्र मोदी, तो ये आप सभी के अध्यक्ष हैं और ये नीति आयोग के पहले अध्यक्ष हैं। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि सुमन बेरी क्या हैं, तो सुमन बेरी वर्तमान में इसके क्या हैं, तो उपाध्यक्ष हैं। ये भी आप सभी को याद कर लेना है। तो वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी हो जाएंगे। अगर आप सभी के पेपर में पूछा जाता है कि पहले CEO कौन है, तो सिंधुश्री खुल्लर क्या है, तो पहले CEO हैं किसके, तो नीति आयोग के। तो और अरविंद पड़गड़िया की बात की जाती है, तो पहले ये उपाध्यक्ष हैं क्या हैं, तो पहले उपाध्यक्ष हैं किसके, तो नीति आयोग के। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आप सभी को याद कर लेना है। तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी, किसके स्थान पर, तो योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी। लास्ट क्वेश्चन है आप सभी का, 30 जून 2022 को केंद्रीय खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो
तपन डेका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो भी क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर डिस्कस किया गया है, 100 क्वेश्चन आप सभी के डिस्कस किए गए हैं। ये पार्ट टू का आप सभी का वीडियो था जून 2022 के करंट अफेयर, इसी के साथ आप सभी के समाप्त होते हैं। तो इन 200 क्वेश्चन को आप सभी को याद कर लेना है क्योंकि आपकी परीक्षा में जून 2022 से जो भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से बनने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कीजिए। तो मिलेंगे आप सभी को अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।